बलवाड़ा के स्थानीय थाना की काटाकोट चौकी के अंतर्गत शूटआउट का एक घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें एक युवक की गोली मारकर हत्या करने की घटना की पुलिस जांच कर रही है। थाने से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कुंडी के समीप चंदेरी घाट के पास जंगल में काली सिंध पानी की पाइपलाइन का कार्य कर रही LNT प्रोजेक्ट के पावर नंबर 2 के स्टील यार्ड पर रविवार की मध्य रात्रि में गोली चलने की घटना में एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार घटनास्थल पर कंपनी के गार्ड व चोरों के बीच आमने सामने से गोलियां चलना बताया जा रहा है, जिससे एक व्यक्ति को पीठ के पीछे कई छर्रे लगने के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद रात्रि में ही कंपनी के बुलेरो गाड़ी से मृतक को काटकोट पुलिस चौकी पर सूचना देने के बाद बड़वाह के अस्पताल लाया गया और इस घटना की सूचना मिलते ही सोमवार को खरगोन की फॉरेंसिक टीम ने अस्पताल पहुंचकर मृतक के शव का परीक्षण किया। तत्पश्चात SDOP मानसिंह ठाकुर सहित टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना कर जांच की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि LNT कंपनी के गार्ड से युवक को गोली लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। उक्त मामले की जांच की जा रही है। में एक सूचना मिली थी कि LNT कंपनी के अंतर्गत जो पाइपलाइन लग रही है, उसमें प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों के द्वारा ये जानकारी दी गई कि उनके यहाँ कुछ चोरों ने धावा किया था और वो चोरों ने धावा करने के दौरान जो वहाँ से वस्तु चुराई, तो चुराने के बाद जब वो जा रहे थे तो उनको रोकने के उद्देश्य से जब उन्होंने प्रयास किया तो उनने उन पर हमला कर दिया और इस बात को लेकर के वहाँ कुछ फायरिंग वायरिंग हुई और इनके जो LNT कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड थे उनकी संभवतः फायर से उसको चोट लगी और उसको उसी टाइम घायल अवस्था में बड़वा हॉस्पिटल लाए गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत घोषित किया। इस संबंध में थाना बड़वा पर मर्ग दर्ज किया गया है और मर्ग जांच अभी की जा रही है। दोपहर न्यूज़ के लिए खरगोन से अशोक शाह की रिपोर्ट।